हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल सलमा स्टाइल्स। फिर से शुरू। आपको भी स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा। हाँ। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या? जो है वो बता दो। जल्दी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था पूरे सालों का? एक्सपीरियंस मैंने बहुत ही उतार चढ़ाव का रहा और बहुत ही बढ़िया भी रहा और अच्छी तरह से बहुत बढ़िया तरह से कट गया। अच्छा बड़े बाबा, एक बात बताओ, जब आप नए थे तब आप नर्वस थे या ऐसी? नर्वस तो बिल्कुल नहीं था बेटा। वैसे झूठ। अच्छा, सभी नर्वस होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं भी नर्वस थी। मुझे इस बात का डर था कि कोई। हाँ, अरे मम्मी तो हमारी थी इसलिए नर्वस कभी हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं। तो दादी क्या करती है सर? बड़े पापा भी नहीं करते। दादी नहीं कन्विंस किया होगा? हाँ यही। जबलपुर में जब पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद फिर मैं प्राइवेट सर्विस कर रहा था एक उनकी दुकान में, तब दादी ने मुरादाबाद से मुझे बुलाया कि आ जाओ जबलपुर से। फिर मुरादाबाद आया, फिर दादी ने। मुरादाबाद में ही आपकी शादी हुई? दादी ने बुलाया, फिर दादी ने यहाँ पे अपने उस भाभी और भैया का रिश्ता कैसे? बताओ बड़े बाबा, बड़ी माँ। बड़ी बड़ी माँ पहले से थी बताया यहाँ पे। फिर दादी के साथ तो मतलब आप मुझे ये बताओ, बड़ी माँ के आना जाना पहले से था? दादी पहले आई थी, फिर आपकी बड़ी माँ आई, फिर आना जाना दादी का रहा, फिर पसंद की दादी ने। अच्छा, तो बेसिकली दादी पहले से बड़ी माँ को जानती थे? हम दीदी दीदी बोलते थे। दीदी, अब भाभी हो गई वो आपकी, दीदी नहीं। हाँ बड़े पापा, फिर आगे? फिर आगे फिर मिलते जुलते फिर आपकी बड़ी माँ से थोड़ा प्यार भी हो गया। दादी दादू की पसंद से फिर शादी भी हो गई। बड़ी माँ शर्माओ मत, कोई बात नहीं। फिर शादी हो गई, फिर खुशी खुशी रहे। बहुत पसंद थी मैं आपको जादू पर, मुझे बड़ी माँ बहुत पसंद है। बहू बने की तो यही बनेगी। हाँ, और एक बार वो नाना थे ना, मार्टिन नाना। हाँ हाँ। वो बोले नहीं अभी बड़ी है, छोटी का कैसे करे। नहीं, मैं तो इसी को बहू बनाऊंगी, बड़ी से बहू। मतलब ये ट्विंकल की मम्मी को बोलेंगे वो बड़ी है। परमेश्वर ने ट्विंकल की मम्मी की नहीं, मुझे तो यही पसंद है। पापा छोटे थे तो मैं रोज मेरे पास ही आते थे, हैं आएंगे तो उनको नहलाना धुलाना मेरा काम था। क्या? आपके पापा को मैं बुआ को भी नहलाना। हाँ, और मेरे पास आएंगे तो जाना नहीं चाहते थे,
घर दादी दादी कहती थी वहाँ क्या रस है नहीं आती हूँ बाबा तुम्हारा आंसर फॉर दैट अरे मैंने दादी ने मुझे एक बार बताया था कि बाबा जब भी आप लोग के घर में घुसते थे स्कूल के बाद तो बाबा वो खींच खींच के ले जाती थी बाथरूम में अरे पकड़ के नहलाते थे सारे कपड़े उतार के समय तो एकदम क्यूट एकदम स्मार्ट बच्चा गोलू मोलू बिल्कुल जब अंशु पैदा हुई थी तो वो तो बहुत अच्छा रहता स्पेशल आप तो थे भी नहीं मुझे पता है बहुत ज्यादा बारिश हुई जैसे कुड़िया हुई वैसे बारिश हुई कि चप्पल को नानी का बाहर के ले गई उस दिन बहुत ही ज्यादा बारिश लुंगी पहन के वो लुंगी वाला तो मैं नहीं भूल सकती अरे पाओ वो तो बिल्कुल बहुत फनी था मेरे दोनों फूफा हैं आप लोग का तो सब जानते ही हैं सिर्फ तुम ही देखते बाकी सब नहीं देखते मुझे तो नहीं लगता दादी को दिखाया भी थी ब्लॉग दादी को दिखाया प्रॉपर चाहता हूँ मुरादाबाद में पहली बार आए शादी के बाद तो उस समय शुभम और छोटे 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 थे तो बंटी भैया लेने गए थे पापा दिल्ली लेने गए उस समय था अरे बंटी पूछा इंद्रमुख है और यहाँ पर पूरा स्पॉटलाइट बंटी के ऊपर था अच्छा दादी एक काम करो पापा के और किससे बताओ प्लीज किससे मत बताओ हेलो क्या पूछा यस प्रॉपर सेम मिनट्स की झलक दिखनी चाहिए हाँ क्या बोलूँ मैं क्या पूछ रहा है पूछो अरे मुझे नहीं पता तो आपका नाम क्या है हाँ तो आपका नाम क्या है अच्छा हाँ आप मुरादाबाद पहली बार आए तो आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा इधर की गर्मी ज्यादा नहीं है गर्मी बारिश हो गई ना तो अच्छा हाँ आप लोग बारिश लेके आए ना दिल्ली से हाँ आपको खाना कैसा लगा है मैं कैसी लगी अब मुझे पहली बार मिला सबसे बेस्ट आप पहली बार आ रही हो या नहीं नहीं मैं तो बचपन में बहुत बार आई हूँ बहुत हाँ तो
पार्टी का फूड कैसा लगा था आपको? सुपर थम्स अप। हाँ तो हाँ, जो आपने पार्टी में खाना खाया था उनमें से सबसे वर्स्ट कौन सा था? ये तो मैं सच में तो मैंने जितना भी अपनी प्लेट में लिया सारा कुछ फिनिश किया, सब कुछ प्लेट भी खाया, वरना अगर कॉन्क्रीट खाने की कैपेसिटी होती तो मैं वो भी खा जाती। मगर मुझे खाने में ना भैया को आते ही कहा कि मुझे खाना सब अरेंजमेंट सब बहुत अच्छा लगा। Okay, that's very sweet of you. Sweet नहीं मेरा ही जा, मतलब honest candid बता रही हूँ मैं। Okay. और मुझे सबसे अच्छा लगा सबके साथ बैठना, बातें करना, हंसी मजाक करना, बड़ियों में से मिलना, बंटी की पैर खींचना, टांग खींचना। सबसे बहुत टाइम बाद मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा ही नहीं कि मैं बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो एक बात बताइए, आप इधर किससे सबसे देखिए लाइक फर्स्ट टाइम मिल रही हो? मेरे को छोड़ के अमीशा को फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, और नहीं पहले मिली हूँ शादी के टाइम पे मिले थे आप? अच्छा, मैं कहती हूँ और ट्विंकल से भी पहले मिली थी, नेहा से भी, प्राची से पहली बार मिली, और एक बार हाँ उससे पहली बार मिली, हाँ वो कजन होती थी, और शुभम और ये क्या कहते हैं सुषमा वगैरह जीजा जी सब तो एक बार आए थे ना, तो उन सबको पहले मिल चुकी हूँ, मनीष से पहले। बाकी तो सब मैंने अगर कहा था तो मेरे अलावा, वो तो मुझे पता है कि यार मेरे से पहली बार। थोड़ा अमन भैया पे फोकस करो ना। तो आप मुझे आप जेनी बुलाते हो, वो फ्यूचर में देखा बाय। और अभी हम जा रहे हैं पीतल की मार्केट देखने के लिए कि हम वहाँ पे कुछ पसंद कर सकते हैं, ले सकते हैं या नहीं। हमको लेके जाएंगे बंटी और मनीष, ये नहीं लेके जा रहा हम लोग। हाँ मैं नहीं ले आ रहा हूँ, मेरे को नहाना धोना है, बोलता बहुत है। इसने चैट में भी बोला हाँ टाइम जब मिले मैं चल लूँगा, मैं ज़रूर चलता मगर मेरे को नहाना है। मगर ये बहुत धोखेबाज आदमी है। उदय भरत रेडी हो गया है चलने के लिए, मैं पिछू बैठूँगी। Are you ready, Bunty? Yes. और अभी हम चल रहे हैं, हम लोगों ने ली है स्कूटी और पीछे आ रहे हैं बंटी, और हम लोग बंटी के पीछे जाना है भरत, पीछे आ रहे हैं ना, ये आगे बंटी वगैरह जा रहे हैं।
अभी वापस जा रहे हैं। मैं जो ढूंढ रही थी वो मुझे मिला नहीं, मगर मैंने कुछ ख़रीदा है वो मैं आपको घर पहुँच कर ही बताती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा है। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सलमा स्टाइल्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल सलमा स्टाइल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।